हाय एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं कक्षा 10 का जो क्विज अभ्यास है साइंस का। दिनांक है आज 22/1/2022। टोटल यहाँ पर 12 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो हम सभी क्वेश्चनों के आंसर यहाँ पर देखने वाले हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, ऐसा गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित हो, तो वो क्या कहलाता है? वो होता है अवतल दर्पण। दूसरा क्वेश्चन आपको दिया गया है, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उस गोले की त्रिज्या क्या कहलाती है? तो उस गोले की त्रिज्या को हम बोलते हैं दर्पण की वक्रता त्रिज्या। अगला है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 42 सेमी है, तो इस दर्पण की फोकस दूरी का मान कितना होगा? फोकस दूरी, फोकस दूरी का सूत्र होता है यहाँ पर ए बराबर होता है R/2, यानी त्रिज्या है, त्रिज्या की आधी क्या होगी? उसकी फोकस दूरी होगी। तो त्रिज्या कितनी है? 42 है, 42 में हम 2 का भाग देंगे तो फोकस दूरी कितनी आ जाएगी? 21 सेंटीमीटर। इसके हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है, किसी अवतल दर्पण पर बिंब उसके वक्रता केंद्र सी पर स्थित हो तो बना हुआ प्रतिबिंब कहाँ पर होगा? यानी बिंब जो है वो वक्रता केंद्र सी पर है, तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ पर बनेगा? वो समान आकार का बनेगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वक्रता केंद्र सी पर ही प्रतिबिंब बनेगा। अगला, अगर आपको दर्पण में कुतुब मीनार की पूरी लंबाई का प्रतिबिंब देखना हो तो आप इनमें से किस दर्पण का प्रयोग करेंगे? तो हम कौन से दर्पण का प्रयोग करेंगे? उत्तल दर्पण का। इसके हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है, कोई 2 सेमी साइज का बिंब किसी 10 सेमी फोकस दूरी के अवतल दर्पण पर 15 सेमी की दूरी पर रखा गया है, तो दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो? तो जो दर्पण है, दर्पण के उल्टी साइड में -30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे, यानी उल्टी साइड में रखेंगे हम। दूरी तो माइनस में नहीं होती, यहाँ पर माइनस का जो साइन है वो दिशा को दिखाता है, तो हम 30 सेमी की दूरी पर रखेंगे तो हमें स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होगा। इसके हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया, एकांक समय में किसी विशेष क्षेत्र में प्रवाहित होने वाले आवेश के परिणाम को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। अगला है, किसी बल्ब के तंतु में 0.8 एम्पियर की विद्युत धारा 15 मिनट तक प्रवाहित होती है, तो विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत आवेश का मान? तो विद्युत आवेश का सूत्र होता है Q = I × t। यहाँ पर I क्या है? धारा है, t क्या है? समय है, समय हमेशा सेकंड में लिया जाता है। तो देखिए Q = 0.8 और समय कितना है? 15 मिनट है, मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे तो 15 मिनट में कितनी सेकंड होगी? 900, और इनका गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 720 C। C का मतलब यहाँ पर कूलाम्ब है, जो कि आवेश का क्या होता है? मात्रक होता है, कूलाम्ब। तो 720 C इसका आंसर हो जाएगा। इसके हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि धारावाहिक चालक पर 4 कूलम्ब आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 20 जूल का कार्य किया गया तो उन दो बिंदुओं के बीच संभावित अंतर का मान कितना होगा? तो ये अंतर आएगा 5 वोल्ट। इसके हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, किसी विद्युत परिपथ में चालक की सिरों के विभवांतर को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो यह होता है वोल्टमीटर, वोल्टमीटर से नापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के 2 सिरों के बीच विभवांतर भी विद्युत धारा I के मध्य क्या संबंध होता है? तो ये होता है ओम का नियम। ओम के नियम के अनुसार क्या होता है? विद्युत धारा जो होती है I, ये विभवांतर की क्या होती है? समानुपाती होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिरों पर विभवांतर V प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है, यानी V समानुपाती I होता है, और समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो हम नियतांक लेते हैं R। R क्या है? यहाँ पर प्रतिरोध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिरों विभवांतर V परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा I के क्या होता है? समानुपाती होता है। इसके हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विद्युत परिपथ में धातु के तार में प्रवाहित होने वाली धारा I का मान क्या होगा यदि विभवांतर V को स्थिर रखते हुए प्रतिरोध को दोगुना कर दिया जाए? तो देखिए V समांतर I होता है, समानुपाती, समानुपाती का निशान हटाएंगे तो हम नियतांक लगाते हैं R। अब ये कह रहा है कि अगर हमें विभवांतर का वो रखना है और हम प्रतिरोध को डबल कर दें, तो विभवांतर को स्थिर रखते हुए प्रतिरोध को अगर डबल किया जाए तो धारा क्या होगी? तो धारा यहाँ पर आधी हो जाएगी, तो विद्युत धारा का मान क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। तो आज की क्विज के टोटल 12 क्वेश्चन है जिसके आंसर हमने देख लिए हैं। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।